बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ के आप सब हयात और बांध रहे हैं। और आज मैं गोभी बना रहा हूँ क्योंकि घर में पके हुए आलू मोंगरे, और आलू मोंगरे खाने को दिल नहीं कर रहा था तो गोभी पड़ी हुई थी, तो सोचा गोभी थोड़ी सी बना के और इसके साथ खाना खाता हूँ और साथ में आपसे शेयर भी करता हूँ खाली गोभी कैसे बनाते हैं। गोभी को काट लेंगे हम। दोस्तों गोभी हमने काट लिया, अभी हमने इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और अभी हम गोभी को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसको किसी ऐसी चीज़ में डाल लें जिससे पानी नीचे निकल जाए और गोभी ऊपर रह जाए, और इसको इस तरह अच्छे से धो लिया। हमने धो लिया और उसको हम ऐसे रख लेंगे ताकि पानी जो है अच्छे से नीचे बह जाए और गोभी थोड़ी खुश्क हो जाए। और गोभी फ्राई करनी है, उसमें हमने कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, सिर्फ हमने इसमें हरा धनिया और मेथी ऐड करनी है क्योंकि मैं खाली गोभी फ्राई करने लगा हूँ। मेथी और हरा धनिया को मैं पहले अच्छी तरह से धो लूँगा। और अभी हम इसमें हसबे ज़रूरत नमक डाल लेंगे। और थोड़ी सी सुरख मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी, अभी करना चुके क्या अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें गोभी डाल लेंगे। दोस्तों अभी इसमें हम मेथी ऐड कर लेंगे, और मेथी सिर्फ ये खुशबू के लिए, थोड़ी सी टेस्ट के लिए, क्योंकि हम खाली गोभी फ्राई कर रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और जो इसका पानी होगा वो उसी में गल जाएगी, और इसको ज़्यादा हमने गालना नहीं है क्योंकि जो गोभी होती है वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची जैसी होती है, इस तरह का ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको हमने बिल्कुल नरम नहीं करना, और ये थोड़ी सी फ्राई हो गई है, अभी हम इसको मज़ीद और फ्राई करेंगे। और ये कोई रेसिपी नहीं है, वैसे ही दिल कर रहा था क्योंकि घर में आलू मोगरे पके हुए थे, वो खाने को दिल नहीं कर रहा था, और गोभी पड़ी हुई थी, मैंने गोभी की रेसिपी बना ली। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब घर में कोई चीज़ ना हो एक चीज़ से भी काम चल सकता है अगर आप चलाना चाहें तो। और इसमें कोई मसाला नहीं हमने ऐड किया, सिर्फ नमक मिर्च है, और साथ में खुशबू के लिए थोड़ी सी मेथी पड़ी हुई थी वो डाली है, और हरा धनिया तो वैसे ही हर सब्ज़ी में डालता है, उसको तो कोई ऐसा इशू नहीं है, और इसमें हमने कोई चीज़ में नहीं डाली। गोभी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और अभी हम थोड़े इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लुक जो है वही देखने लायक है, माशाल्लाह से आपको इसके कलर से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये माशाल्लाह से कितनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। और इसे नज़र नहीं डाल रहा,
और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर घर में कोई चीज़ भी ना हो खाने के लिए तो किसी एक चीज़ से भी आप मैनेज कर सकते हैं माशाल्लाह से। और हमारी माशा से फ्राई को भी बिल्कुल तैयार है और अभी हम इसको प्लेट में डालेंगे। इसकी माशाल्लाह से कलर इतना प्यारा है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं कि मेरे तो हकीकत मुँह में पानी आ रहा है कुछ भूख की वजह से, कुछ इसका कलर देख के माशाल्लाह से। और अभी हमने इसको आपको ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ा कोई यही दिल रखने वाली बात नहीं, बाकी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। दोसा ही हमारी वन डिश, फ्राई को भी रेसिपी तैयार है। और अगर घर में कोई चीज़ ना हो तो ऐसे भी आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं गोभी हो, कोई भी चीज़ शिमला मिर्च हो या मसाल के तौर पे बैंगन वगैरह हो, उनको भी आप इसी तरह फ्राई करके उसके साथ खाना खा सकते हैं। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करके इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ ही आज की वीडियो तो वीडियो का अहतमाम हुआ। अपना ख्याल रखें, अपने अबीबू का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें भी याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.